उनके और पिताजी की इच्छा कर दिए। तो जबरदस्ती कैसे साबित होगी, कैसे साबित होगी तो जबरदस्ती बताओ। हुई, उस बच्चे की इच्छा नहीं थी, बच्ची की इच्छा नहीं थी। और अगर 6 साल की बच्ची की इच्छा मालूम करने का तुम्हारे पास तरीका नहीं है, तो राम जी ने सीता के साथ जो शादी की वो कितने साल की थी, उसकी मर्जी कहाँ है सीता जी की बताओ। उम्र 6 साल नहीं थी, गलत फहमी मत रहो, कितनी सीता जी की कितनी 6 साल नहीं थी। बहुत अच्छे, ये हमारे बहुत पास सबूत बहुत मौजूद अच्छा। है, बहुत अच्छे। आप 6 साल की बात कर रहे हैं, 6 साल नहीं थी तो कितनी थी। 6 साल की रुकिए नहीं मैं थी, आपको आप बताता हूँ, प्रूफ करो 6 साल की थी, प्रूफ ठीक है मैं आपको करो। बताता हूँ, अरे सैम भाई जरा दिखाइएगा ठीक वाला। है, टाइम दीजिए मुझे थोड़ा, 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको हाँ बताता हूँ। ले ले, अब मैं आपको तो भाई बताता हूँ, देख लो। वैसे देखिए आप, राम जी की तो मैं आपको बता दूंगा, कृष्ण जी जब शादी किए थे रुक्मणी की, रुक्मणी की क्या एज थी? 8 साल, छोड़ो ना, मेरे को बताओ जो चीज मैं 8 साल। पूछ रहा हाँ हूँ, ना आप हाँ हमारे वो हो। बताओ, अब वो बताओ, एक मिनट बताता हूँ, नहीं एक अब मिनट वो दीजिए, बताओ। बताता। सीता जी की उम्र पे बोले, सीता जी की 6 साल उम्र नहीं थी। हाँ 6 साल मैं बताते बताता हैं, हूँ, एक मिनट बताते दीजिए हैं। बस। अगर 6 साल निकल आई तो समझा जाएगा कि राम जी ने जबरदस्ती शादी की, सीता जी की कोई इच्छा नहीं थी, ये साबित आप हो जाएगा। मानेंगे आप प्रताप वो भाई? रावण वाला एक तो सुनाओगे ना, तो मैं बता दूं, सीता जी की जब शादी हुई है तो सीता जी एक जगह बोलती है कि जब मेरी शादी, अपना बात करती है, बोलती है कि मेरे पिताजी मेरे शादी के लिए परेशान थे, जब मैं बालिग हो गई, जब मैं बड़ी हो गई तो शादी के लिए वो परेशान थे। तो क्या बच्ची के लिए शादी के लिए परेशान होंगे? अच्छा हाँ, सीता जी जबरदस्त की शादी हुई जबरदस्त तो उनके, सुनिए जबरदस्त, सुनिए, इसी तरीके में बुखारी में लिखा हुआ है कि जब मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, मेरी माँ परेशान थी कि ये बच्ची दुबली पतली, इसको ज्यादा खिलाओ ताकि ये शादी करने की उम्र को अच्छे से पहुंच जाए, ये भी बुखारी में लिखा हाँ है। नहीं, हाँ तो सीता फिर जी इसलिए परेशान नहीं थी, सीता जी के पिताजी इसलिए परेशान थे कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अभी उनका शादी बड़ी करना है। हो गई है, बड़ी हो गई और है, तो सब एक इधर बता, लिखा है, और एक इधर लिखा है, मेरी इधर बात लिखा है, सुनो, सुनो मेरी बात इधर सुनो, लिखा मैं आपको किधर इसका है। रेफरेंस दे दूंगा, आप किसी से भी सुनो पूछ लेना, सुनो, राम जी दशरथ से आज महाराज क्यों के पूछ पास लूं, सुनिए, किसी से क्यों सीता जी पूछ के लूं, शादी के पहले बात सुनिए, बात किसी सुनिए से पहले क्यों मेरी पूछ बात पहले लूं, किसी सुनिए ना, से मेरी क्यों बात पूछ सुनिए पहले, लूं, किसी से अरे क्यों मेरी पूछ लूं, बात पूछ लो ये सुनिए, पूछ लूं। आप राम जी क्लेम उम्र करो सोलह ना, साल आप मेरी बात सुनो पहले, सीता किसी जी का से क्यों पूछ विवाह, लूं। सुनिए सुनिए, आप मोहम्मद साहब और राम जी में तुलना कर रहे हैं, तो मैं पहले बताऊं, राम जी ने सीता जी को विवाह करने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया था, आपके मोहम्मद साहब ने ऐसा को प्रस्ताव दिया, बच्ची थी जो, और अभी सीता जी अभी का विवाह अभी हो रहा अभी था वहां राम जी गए हैं, अभी सीता अच्छा जी का विवाह हाँ, हो रहा था वहां राम जी गए हैं, वहां राम जी गए ठीक हैं, है, वहां हाँ और भी उनका मुसंडे, विवाह हो रहा था, और वहां आपके और भी मोहम्मद साहब ने मुसंडे शादी आए थे, वहां और भी करनी है। मुसंडे आए हाँ थे उत्साही सुनिए करने के सुनिए लिए। प्रसाद भाई और दूसरी बात मैं जी, बता प्रसाद दूं, भाई सुनिए, दूसरी बात सुन लो, शोर प्रसाद भाई डालना है सुनिए अगर, एक एक करके बात नहीं करनी है, जी, अगर शोर प्रसाद भाई डालना है तो सुनिए, ये भी। हाँ ये सुना दे वाला सैम भाई, सॉरी। प्रसाद भाई, स्कंड पुराना बुक नंबर 3 सेक्शन नंबर 2 चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर इसमें 8 to 9 दिखाइए मेरे को, यहाँ स्क्रीन में पर लिखा दिखाइए, है कि, स्क्रीन में दिखाइए, संस्कृत में पढ़ के मैंने बताइए। स्क्रीन शेयर किया, आपने अप्रूव कर हाँ यहाँ पर दीजिए। स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं, ऑलरेडी स्क्रीन मैं में डिस्कस दिखाइए कर और चुका हूँ, संस्कृत और में मेरी दिखाइए। प्रसाद प्रसाद अच्छा, अच्छा ठीक है, और अगर स्क्रीन में दिखाइए, संस्कृत में मुझे दिखाइए। एक मिनट, और जो तुमने हवाला दिया वो कौन दिखाएगा, वो भी स्क्रीन पे दिखाना है। कौन सा अभी पर हवाला? मैंने तो स्क्रीन शेयर कर दिया, आपने अप्रूव कीजिए। और राम के बारे में स्कंद पुराना से हाँ, वो दिखाइए जरा सैम भाई, स्क्रीन शेयर किया है। जी, स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा है मेरे भाई, नहीं, ये ब्रदर राहुल का नीचे वो कह रहे हैं, उनका स्क्रीन है, मैंने दिया मैंने दिया। रामायण वो ब्रदर राहुल भाई ने दिया। गए तो रामायण से दिखाओ ना यार, रामायण में नहीं है क्या उम्र उनका? अभी ठंड रख, करेले यार ठंड रख। अभी तुझसे भी रेफरेंस मैंने पूछना है, जो तूने कहा था कि बाप जी तैयारी करवा मैं रहे हैं, मोबाइल से हूँ, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, मैं तो मोबाइल से लैपटॉप हूँ। से आना अगली बार, हमसे पूछते हो, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, और खुद कहते हो किसी राह चलते से पूछ लीजिएगा, खाला जी का हलवा है। आए नहीं बात चलो ठीक है, अपन हमें पॉइंट भाई, पॉइंट मुझे पे मोहम्मद मुश्किल हो रही है स्क्रीन शेयर करने। नहीं साहब क्यों, राम जी सैम के विवाह पे, भाई, विवाह एक मिनट सैम भाई, सैम पे भाई, आते हैं ना, ब्रदर राम राहुल जी के जी विवाह पूछ रहा पे, हूँ, पॉइंट एक टू मिनट पॉइंट। प्रसाद ठंड भाई, एक मिनट रुकिए, रख, करेले सबर करना, शोर डाला तूने, लादा ही अपना बीच में मछली मंडी बना दिया आके। तो ये ब्रदर राहुल भाई ने स्क्रीन शेयर की है, सैम भाई नीचे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, वो कह रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन नहीं, अच्छा आपको मुझे नीचे, असल में आप वो अपना लिंक दूसरी जगह पर बना लिया, वरना मैं शेयर कर देता। वो ये है कि जी नीचे हाँ जी हाँ, आपको उसकी वजह से जिस जगह पे आईडीज नजर आ रही होती हैं सैम भाई, उसमें ब्रदर जी, राहुल भाई के साथ स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको।
नहीं आ रही है भाई स्क्रीन, यहाँ पर दिख अच्छा तो फिर नहीं मैं रहा है। भेजता हूँ, फिर भेजता हूँ और एक बार, एक मिनट एक बार दोबारा री 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 शेयर करें, एक बार दोबारा शेयर करें जी, एक मिनट फिर जी, एक से। बार अच्छा फिर से शेयर करें। यहाँ पर स्लाइड वीडियोस क्यों? अच्छा ये आमिर भाई, हमारे यहाँ पर भी तो कुछ अलग दिखा रही है, स्क्रीन शेयर नहीं है। यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट स्क्रीन और एक वीडियो फाइल और एक स्लाइड। प्रेजेंट स्क्रीन, पता नहीं यार प्रेजेंट क्या। स्क्रीन बता रहा है, मैं भी यहाँ पर से ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। ओहो, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, ओ ठीक अच्छा है अच्छा सैम भाई, ये चलिए, कोई इस मैटर मसला को जो बाद में डिस्कस करेंगे, मैं एक और सैम चीज़ें वो भाई, बताऊं। ओ करेल करेला ठहर जा, मैं लैपटॉप लेके आऊंगा। एक मिनट प्रसाद, रुक जा रुक एक जा, मिनट सबक प्रसाद प्रसाद सबको रुको आगे ना, पीछे एक मिनट अजीब अजीब नशीब एक मिनट करते हो। रुको, एक मिनट रुको, आपको बताते हैं, रुको। अच्छा सैम भाई, मुझे लग रहा है कि वही मसला जो मैंने आपको स्ट्रीम शुरू होने से पहले बताया था ना, ये वही मसला जी है, जी जी वही है इस वजह से शायद। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, शायद वो मसला कर रहा है। देखिए खैर कोई अभी बात नहीं। अच्छा खैर यार, ये बड़े अजीबो गरीब किस्म के, उसको बात करने का जो उसूल से उसको पकड़, जैसे ऐसे जाहिल हैं जिस उसूल के ऊपर बुनियाद खड़ी है उससे जंप मार के आगे। भाई कृष्णा ने जिस वजह से की थी उस वजह जी से आज पॉलीगैमी कर ले, भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए की थी। भाई हमारा उसूल और है, तुम्हें हम हमारे पॉलीगैमी उसूल को समझ रहे ना, तो हमारे नजदीक ये है कि जब कभी किसी मर्द का दिल करेगा ना और उसको लगेगा कि वो हकूक पूरे कर सकता है, वो किसी भी औरत से शादी कर सकता है अपनी मर्जी के साथ, कहानी खत्म। हमारे नजदीक तो ये उसूल है, चाहे औरत आए ना आए, औरत गरीब हो अमीर हो, औरत बेवा हो जवान हो, कवारी हो शादीशुदा हो बच्चों वाली हो, कोई भी हो, हमारे नजदीक शादी की इजाजत है, हम कभी भी कर सकते हैं। अजीब बात है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, खैर हम इनसे इजाजत लेते हैं आमिर भाई, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आमिर भाई, और हमने कई बार बता दी है कि राम की जो शादी थी सीता मैया से 6 साल की उम्र में हुई थी। रेफरेंसेस मौजूद है मेरी पेज पे, वीडियोस भी मौजूद है, तो प्रसाद भाई आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं दूसरे, जहाँ पर क्लियर कट लिखा है और रेफरेंसेस के साथ मेंशन है। आज इसका स्क्रीन शेयर करने की कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, इस वजह से हम आज नहीं बता पा रहे हैं, पर ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, काफी लोगों को पता है कि राम जी 6 साल में सीता से शादी किए थे, और कृष्णा जी ने भी रुक्मणी से 8 साल की उम्र में शादी की थी। सीता जी और ब्रह्मा जी की शादी हुई, ये गैप नहीं पता है किसी को भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद भाई, आप आए, नेक्स्ट टाइम भी आइए, हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू। और जी इसको कंपैरिजन कैसे करना है धर्मा के साथ, वो भी तो सामने रखना है ना। जी, तो भाई ये देखिए आमिर भाई, ये एक अभी एक पैटर्न नजर आया। अब ये आकर बोल रहे हैं कि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, और बोल रहे हैं कि मैं एक्स मुस्लिम्स को सुनता हूँ, और ये हाँ वही क्वेश्चंस लाकर हमारे पास रख रहे हैं। एग्जैक्टली यही गेम है ना, तकिया। मैं आपको बता रहा हूं ये तकिया है, इन्होंने अपनी कमर और अपने ऊपर नीचे पूरा कस के तकिया बांधा हुआ है। झूठ, गल, घपाड़ा, गबन, धोखा, दजल, ये इनका दूसरा नाम है, सनातन धर्मा का जी, दूसरा नाम है धोखा, माजरत के साथ। और सबसे बड़ा आज का झूठ कौन सा है आमिर भाई, आपको पता है कि हमारे धूप भाई जो है ना, फूप भाई, धूप भाई, क्या नाम है इनका, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानी किताब लिखे हैं, और मैं जितने रेफरेंसेस बताता हूँ ये मुसलमान लिखे, सही बताता हूँ, बोल रहे हैं। इनको कहना चाहिए कि जो इनका ईश्वर है अल्लाह, हम तो यही कहते हैं ना, वो ईश्वर भी अल्लाह ही है, हमने ही सब कुछ लिखा है, डाल दो हम पे। जी वो भी हम पे डाल दो। चलो हमारे जी आगे कुछ चलते मुसलमान भाई है आमिर भाई, कोई हिंदू भाई तो दिख नहीं रहा है बैक स्टेज पर, हम मुसलमान भाइयों को लेते हैं ये अगर करके, जगह दो दो खाली, मिनट का जगह टाइम खाली, देते हैं भाई जी, अगर हाँ जगह खाली करवाएंगे तो आते जगह खाली जाएंगे। हो गई तो ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, जी अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम जी जी भाई, भाई। जी भाई, हाँ मैं भाई आपके बोल एको हो रही है भाई, एको हो रही है भाई, रहा हूँ। अरे भाई एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। नीचे सनातनी भाई, सैम भाई इनको निकाल के स्टेज खाली करवा के नीचे, सनातनी कुछ दोस्त हैं वो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, हमने पता नहीं क्या सनातन का कर देना है, हमने सारे कहते हैं हम दुनिया जी, को सनातन बना देना है, हमें ले लो। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे मुसलमान भाई जितने भी यहाँ पर बैक स्टेज पर हैं, आप प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए और स्टेज लीव कर दीजिए, ताकि हमारे सनातनी भाई जुड़ सके, आज उनका फेस्टिवल भी है, तो हम थोड़ा देते हैं उनको मौका, जेनरस होते हैं भाई, उनका फेस्टिवल है, आज आकर बात करने दीजिए, वो भी थोड़ा टाइम निकाल के हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं उनका फेस्टिवल छोड़कर, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए और बैक स्टेज खाली करते जाइए भाई।
उस टाइम के बाद आइए प्लीज, हम आपसे आपसे ही बात करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। सनातनी भाई हमारे जितने भी कमेंट सेशन में प्लीज ज्वाइन करिए, लिंक पर क्लिक करिए और जुड़िए हमारे साथ। सनातनी सिस्टर्स भी ज्वाइन कर सकती हैं अगर चाहें तो। जी बिल्कुल। अच्छा मजे की बात यह है कि आजा के, अच्छा मैंने एक चीज और नोट कर रहा हूं, मुसलमानों तुमने भी एक चीज नोट करनी है कि गिनती के कुछ चंद सवालात हैं जो उन्होंने जुबान पर रटे हुए हैं, जिनके कोतर सौ मरतबा जवाब दिए जा चुके हैं, यानी कुल 55 दफा जिनके जवाब दिए जा चुके हैं। ये गिनती के चार पांच किस्म के सवालात हैं जो इनको लॉलीपॉप देकर सनातनियों को कहा गया, जी देखो इस्लाम से लड़ना है तो ये लॉलीपॉप ले जाओ, ये जनाब जाके, ये शक्ति है तुम्हारी, जाके लड़ देना है जी, इनको दे दिया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि जब जितने एतराजात इनको दिए गए हैं उनकी जड़ इनको सनातन धर्म के अंदर से मिल जाती है, उन एतराजात के ऊपर खुद ये बैठे हुए हैं। यानी ये ऐसे ही है कि तंदूर के ऊपर बैठे हैं और पेट्रोल से झगड़ रहे हैं। तो भाई तंदूर के ऊपर बैठ के पेट्रोल से झगड़ोगे तुम्हारा सीख कबाब टिक्का बोटी बन जाएगा, हाँ बीफ में। जी आमिर भाई आगे बढ़ते हैं। आमिर भाई हमारे एक दूसरे भाई है मिस्टीरियस आर के, देखते हैं ये नॉन मुस्लिम है मुस्लिम। जी मिस्टीरियस भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप मुस्लिम हैं तो आप प्लीज थोड़ा रुकिए, हम हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से बात करते हैं, वो पीछे क्यों। एक सवाल करना था मुझे हिंदू भाइयों से, बस 10 सेकंड का सवाल है सिर्फ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब राम जी वनवास पे जा रहे थे तो उनके साथ उनके भाई भी गए और उसमें साथ में सीता माता को भी लेके गए, लेकिन जब आखिर में जब वो जीत कर लाए रावण से और उसको फिर घर लाए, अग्नि परीक्षा करी, सब कुछ करा, उसके बाद में जब सीता जी की बारी आई कि वनवास पे जाने का, तो उनको वनवास पे अकेले भेज दिया प्रेग्नेंट लेडी को, तो ये क्या इनजस्टिस नहीं है लेडीज के साथ? लीला लीला बिल्कुल जी जी, ये वही बोलेंगे, माया या लीला बोलेंगे भाई। पर बहुत अच्छा सवाल है मिस्टी एसआर के भाई, जज़ाकअल्लाह खैरन भाई, आपसे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, नॉन मुस्लिम से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ये ऐसे ही है कि अच्छा ले लें आप, आदित्य सिंह भाई हैं। जी जी अच्छा जी आमिर भाई, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए फिर हम बात करते हैं आदित्य भाई से। हां मैं ये आदित्य सिंह भाई एक मिनट जरा ठहरिएगा, अहलन आपको वेलकम करते हैं, मैं एक बात कर लूं। ये जो लीला की जस्टिफिकेशन है ये मुझे ऐसी लगती है कि जैसे मोहल्ले का शरारती बच्चा होता है ना, तो वो किसी दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार के, किसी घर की बेल बजा के, किसी की साइकिल पंचर करके, किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ के वापस दौड़ के आता है ना, तो लोग शिकायत के लिए आते हैं कि बहन तुम्हारा बेटा बहुत शरारती नटखट है, तो वो आगे से कहती है बहना तुम्हें तो पता है पागल है, शैतान है, शरारती है, वो इस तरह उल्लू है, वो इस तरह की बातें कर। इन्होंने हर उस चीज को जो गलती है जिसको पकड़ के हमने ऑब्जेक्शन रखना होता है, लीला भाई ये गलत है, भाई पागल था, भाई ये गलत है, ये जो झल्ला था ये गलत है, ये लीला थी, मतलब जितनी गलतियां हैं ना उनको लीला कहकर टाल दिया है, इसी को तो तकिया कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो, अफसोस। एग्जैक्टली exactly. जी आदित्य भाई कैसे हैं आप? वेलकम वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम जी आदित्य भाई, आदाब 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 आदित्य भाई। वालेकुम अस्सलाम, ये हमारे एहसान भाई, ये माशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी जी जी। मैं देखा आप लाइव आए हैं और आज छुट्टी भी थी, हॉलीडे था, तो मैंने कल आए थोड़ा सा बात कर लें। जी जी, जी, जी। तो, भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं, सब ठीक है? जी जी ठीक ही चल रहा है अभी तो, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, अल्लाह ताला आपको सब। जी और आज की स्ट्रीम भी बहुत अच्छा टॉपिक है, योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अभी तक तो मैंने दो स्ट्रीम देखी है आपकी, बहुत अच्छा है, और कोई डिफेंड कर नहीं पाया, डिफेंड तो आमिर सर के भी उस पर कोई नहीं कर पा रहा था। और मैं बस एक छोटी सी स्टोरी इसमें शेयर करूंगा जो मैंने सुनी थी शिवाजी की, शिव जी के ऊपर, जो मतलब की बहुत एक मुझे बड़ी फनी लगती थी उस समय। अच्छा ये मैं बता दूं आदित्य भाई माजरत, क्योंकि हर दफा नए लोग आते हैं, मैं बता दूं जो नाजरीन सुन रहे हैं, ये आदित्य भाई जो हैं ये हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इनके सीने में घर कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान भाई हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो जो स्टोरी है वो मतलब कि आप सब लोग ही पढ़ सकते हैं उसको, जो जैसे कि गणेश जी का जब वो हुआ था, कैसे हुआ था गणेश जी, हाउ ही केम टू लाइफ व्हाटएवर, मतलब कि उनका शिव जी आते हैं, उनकी वाइफ नहा रही होती है और उनका सर काट दिया जाता है, कट कर देते हैं और वो कहीं जाके दूर पे गिर जाता है,
तो मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे पहले लगा जब मैंने सुना था, मतलब कि जब मैंने इस्लाम को भी नहीं पढ़ा था, वो तो एक अलग चीज़ है, मैं कि मैं सोचता हूँ कि यार शिव जी गॉड है, वो अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे, पहली चीज़। हाँ चलो उन्होंने अपने बेटे को नहीं पहचाना, मतलब कि उनको सब पता होना चाहिए ना गॉड है, वो तो अवतार भी नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि वो अवतार है, वो तो गॉड है एटलीस्ट। उन्होंने सर काट दिया, वो कहीं उड़ के चला गया। अब उसके बाद वो गॉड है और वो उसका सर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मतलब ही कांट फाइंड हिज हेड हिज सन हेड, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन। उसका सर भी नहीं मिल रहा है पूरे यूनिवर्स में, मतलब कि वो तो चाहे पूरा एक इंसान बना दे, ही कैन क्रिएट एनीथिंग एनी टाइम, लेकिन वो नहीं। उसके बाद एक हाथी का सर ही उनको मिलता है उसको लगाने के लिए, मतलब कि जस्ट इमेजिन, मतलब कि ये सब ऐसी स्टोरीज है ना जो 5 साल के बच्चों को सुनाने के लिए बहुत अच्छी हैं, सुलाने के लिए उसको नाइट में लोरी वगैरह अच्छी पोयम अच्छी लगती हैं। और सेम गोज विद रामायण, मतलब कि जब ये पढ़ता था ना कहानी तो लगता था ये छोटे बच्चों के लिए फेरी टेल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका कोई और कोई इनका कोई कोई सेंस नहीं बन रहा है। मगर आदित्य भाई चूंकि आप हिंदू बैकग्राउंड से थे तो आपको शुरू से ये चीज लगती थी कि ये बातें गलत हैं, या अब आपको लगा? मतलब कि जब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया, जब मुझे चीजें समझ में आने लगी, तो मुझे मतलब कि अब ऐसा डायरेक्टली बोल तो सकते नहीं है, लेकिन जब घर में पूजा वूजा होती तो मुझे हंसी आती थी, मतलब कि ये क्यों कर रहे हो, इनके बारे में पढ़ो। लेकिन वही है ना, आप क्वेश्चन करो तो बड़े बोलते हैं कि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम पूछ नहीं सकते, नहीं बस चला आ रहा है, हमने भी किया, हमारे बुजुर्गों ने भी किया, हमारे पीछे लोगों ने किया, सब यही कर रहे हैं, तुम भी करो। तो एक ब्लाइंड फेथ जो होती है, एक ब्लाइंड फॉलो लोग करने लगते हैं। लोग सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, लोग पढ़े लिखे हैं, आज के दिन लोग पढ़ने लिखने के बाद भी जो है रख लेंगे और वो करेंगे। इंडिया और मूर्ति पूजा के आगे झुके होंगे यार, फिर कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? मतलब कि आज के टाइम में जबकि नॉलेज तो मतलब कि फ्लो हो रहा है उस पर, इंटरनेट पे आप कुछ भी जान सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। पहले का टाइम चलिए मानते हैं अलग था, आज मतलब सब कुछ अवेलेबल है और बेस्ट से बेस्ट आपको मिल जाएंगे उसके एक्सप्लेनेशन भी। आप फिर भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, फिर भी नहीं जानना चाह रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब कि हिंदुइज्म में तो मतलब कि कभी भी कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि आप ये तीसरा एपिसोड कर रहे हैं ना, हाँ चैप्टर से ही चल रहा है, आप 100 भी कर जाएंगे ना तो भी नहीं आ पाया, क्योंकि है ही नहीं इसमें, इतने लूप होल्स हैं ना। मैं देखता रहता हूँ कोई आएगा सनातनी, वो अपने आप को जहाँ बचना है वो एग्नोस्टिक बन जाएगा तुरंत कि मैं एथिस्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं एथिस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं नहीं मानता, अपनी किताब को पहले साइड कर देगा, नहीं मैं कुछ मानता ही नहीं। अरे जब कुछ मानते नहीं तो आते क्यों भाई, पहले कुछ मानो। जबरदस्त जबरदस्त, ये है असल पॉइंट, ये कॉमन सेंस की बात है जो आप कर। अच्छा आदित्य भाई एक और सवाल है जो मुझे क्यूरियोसिटी होती है, वो ये है कि आप चूंकि अब आपके अंदर एक एनलाइट हो गए हैं, आपको काफी चीजें मिल गई हैं, आपको नॉलेज मिला, आपको तर्क करने की सलाहियत मिल गई है, तो आपके इर्द गिर्द जो हिंदू दोस्त होंगे, हिंदू सर्कल, कभी उनसे ये सवाल पूछे, कभी उनको देखा कि आया वो जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं नहीं दे, या वो कितना ज्ञान रखते हैं, कभी ऐसा हुआ? मैंने ट्राई किया ना, बस आमिर भाई दिक्कत ये आती है ना कि कभी कभी इसमें थोड़ा सा एक फ्रेंडशिप जो होती है वो प्रॉब्लम करने लगती है, फ्रेंडशिप एक हो जाती है, खराब होने लगती है, तो फिर मैं नहीं क्वेश्चन करता हूँ। जवाब तो कोई नहीं दे सकता, है ही नहीं ना, डिफेंड कैसे करेंगे आप चीजों को। मैंने कहा ना इनफाइनाइट लूप होल्स है, मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुइज्म में इनफाइनाइट लूप होल्स हैं, कोई भी आदमी जिनको छेद इनफाइनाइट लूप होल्स, हाँ छेद, मतलब कि इतने कॉन्ट्रडिक्शन कि आप सर पकड़ लोगे अपना, मतलब कि आप कुछ भी समझ सकते हो हिंदू, मतलब कि आप हर दूसरे इंसान से मिलोगे ना हिंदू में तो उसकी अलग फिलोसफी है अपनी हिंदू की, अलग हर सबकी अलग, मतलब कि सब लोग अपने अलग अलग तरीके से हिंदुइज्म को मोल्ड कर लेते हैं, कोई एक कॉमन बैकग्राउंड नहीं किसी एक चीज पे बहस करी जा सके। अब कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई कुछ नहीं मान रहा है तो भी हिंदू है, कोई सब कुछ मान रहा है तो भी हिंदू है। तो इतने ज्यादा उसमें zigzag चलता है ना, एकदम वो एकदम कंफ्यूजन हो जाती है उसमें, तो आप बहस किसी से कर भी नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, कोई एक बेसिक ग्राउंड होना चाहिए ना, जैसे कि इस्लाम में तो एक बेसिक ग्राउंड है, अब उसमें कितने भी सेक्ट्स हों लेकिन जो मेन है वो मेन है। अब कुरान को सब मानेंगे, हदीस को सब मानेंगे, मोस्टली सब मानेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद को हर कोई मानेगा। अब इनके में तो दिक्कत है ना, किसी घर में कृष्ण जी की मूर्ति है, किसी घर में राम जी की मूर्ति है, कहीं हनुमान जी की मूर्ति है, कहीं फला की है, कहीं ढिमकाना की, कहीं दुर्गा माँ की, कहीं काली माँ की, वो हर जगह 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 हिसाब से बदलता रहता है। और सबके अपने अपने फेवरेट गॉड होते हैं, जिसको जैसे सहूलियत लगती है वो अपना गॉड बना लेता है। तो वही लगता है, मतलब कि यार पेड़ को पूज लो, मतलब कि मेरी मदर, अब तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी मदर हर सैटरडे को जाती थी, पीपल का पेड़ होता था हमारे घर के पास, वहाँ पे वो होता है धागा लपेटते हैं, वो हर सैटरडे को वहाँ दिया जलाई जाती है, धागा उसे मन्नत मांगी थी। मैंने कहा ये पेड़ है मम्मी,
ये पेड़ है इसको अगर पानी नहीं दोगे ना ये सूख जाएगा, ये तुम्हारी मन्नत कैसे पूरी कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है विद्या भाई। और अभी अभी कुछ हुआ, चार दिन पहले बहुत तेज हमारी तरफ इधर आंधी तूफान आया, बारिश हुई, वो गिर गया, वो जड़ से उखड़ गया हो गया, वो पूरा उसको प्लास्टर किया था, अगल बगल लोगों ने घूमने फिरने उसमें चक्कर लगा देते हैं लोग, धागा बांधते हैं, तो वो पूरा पेड़ गिर गया। मैंने कहो गया यही है। तौहीद की और मोनोथिज्म की खूबसूरती ये है कि वो आपको इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना ब्लंट और कॉन्फिडेंट बना देता है, आपको साफ नजर आता है यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो। अरे आपको अभी फनी इंसिडेंट बताता हूँ, अभी इधर वो चल रहा था ना, क्या नाम है, नवरात्रि, आपको तो पता नहीं, पता होगा, सैम भाई जानते होंगे, इंडिया में नवरात्रि चलता है। तो मैं ऐसे ही एक फनी इंसिडेंट हुआ अभी मेरे हॉस्टल के बाहर, तो एक पंडाल लगा था, पूजा हो रही थी, अब उसमें वो चिल्ला रहे हैं कि गौ माता हमारी माता, गौ माता की रक्षा हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। उसके थोड़ी देर बाद एक गाय घुस जाती है उनके पंडाल में और उसको लाठी लेके मारना स्टार्ट करते, निकालो। पहले बोल रहे थे ये लोग कि गाय हमारी माता है, गौ हत्या रोको, ये फलाना ढिमकाना, और उसके बाद तुम उसे मार रहे हो। यार ये क्या है, मतलब की सेंस नहीं बनता, भगवान भी है मार भी रहे हो, रोड पे खड़ी रहेंगी, जूते से मारोगे, डंडे से मारोगे, हटो हटो रोड से हटो, बाइक जाने दो, कार जाने दो, किसी कोई सब्जी या फल खा लें तो मारने लगते हैं डंडे से, और तब माता नहीं रहती है वो। अब पिताजी की तो बात ही नहीं करते। अभी एक दिन वीडियो आई थी सीसीटीवी में, एक बुजुर्ग थे 60-65 साल के थे, वो गली से गाय गुजर रही है, वो बड़े तंग करती है, उसको मारने के लिए है, उसने उड़ा के बाबा जी को उड़ा के माता जी ने जमीन पे पटका, बाबा जी चल बसे अगले जहान के हो लिए। अरे तो इंसिडेंट, अब देखिए, अब क्या है कि गाय वगैरह इंडिया में तो टहलती रहती है, रोड रोड पे टहलती रहती है, रोड पे बैठ जाती है, कोई कुछ कहता नहीं, कहीं भी बैठ जाती है, तो वो रोड पे रहेंगे, जानवर रोड पे रहेंगे तो एक्सीडेंट वगैरह तो प्रोन हो ही जाता है ना, इसमें कोई हुई नहीं है। जानवर को जानवर रखो, उसको गॉड वॉड ना बनाओ तो ज्यादा बेटर है, जानवर है वो। बिल्कुल जानवर है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी अगर जो आता है ना, मैं कहता हूँ आप इस्लाम को ना मानो, लेकिन आप हिंदुइज्म को मानने का एक मतलब की एक सॉलिड प्रूफ दो क्या है उसमें, मतलब कि चलो उसको ही प्रूफ करो। आप इस्लाम ना मानो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ इस्लाम पढ़ो मानो, आप अपने ही रिलीजन को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कर सकता। ये सालों साल चलाएंगे ना आप, तो भी कोई नहीं आएगा, वो लीला पीला सब करते रहेंगे, है किसी के पास कुछ नहीं, वो सब ऐसा ही है, किताबें चेंज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ गई रिफॉर्म करो, हर चीज तो रिफॉर्म, मतलब कि अब समय के साथ चीजें चेंज हो रही है तो किताब भी मोल्ड हो रही है उस हिसाब से। मगर अभी भाई अभी आए, इस पे क्या कहेगा, सॉरी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भी एक भाई आए, महाकाल का भक्त था वो, बेसिकली आईडी चेंज करके आया था, मैंने सुना नहीं, कह रहा था हाँ, वो ये कह रहे थे दित्या भाई कि सारी किताबें मुसलमानों ने लिखी है, ये जितना इन्होंने चेंज किया ना, करप्शन किया, सारी मुसलमानों ने की है, इस बारे में क्या कहिएगा जी, किसमें, वेदास में, वेदास में और शास्त्रों में, कहता है मुसलमानों ने की है यार, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रूफ लेके आओ ना यार, ऐसे कुछ हवा में बातें नहीं अच्छी लगती हैं। तो आप किसी चीज को भी क्रिटिसाइज करते हो तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना ही चाहिए उसके पीछे, बैक करने के लिए आपको, भाई आपने किसी सुन लिया, उसने कह दिया, एक तो मुझे बहुत एक आया था, आपकी दादी ने बताया है उसको, वो तो बहुत ही हंसी आई वही सब चीजें है। तो आपकी आप कैरी ऑन करिए, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, मतलब कि ये तो मुझे पता है कि कोई आ ही नहीं सकता, और हिंदुइज्म में बेस्ट केस क्या, सन्यासी बन जाओ क्या, मतलब कि तुम बेस्ट केस क्या दिखा सकते हो अपने। एक इनके बहुत फेमस स्कॉलर हैं, क्या नाम है, आचार्य प्रशांत, मैंने उनको काफी दिन सुना था, बीच में सुनता रहता था उनको भी, तो उनका क्या है कि गीता पढ़ो और क्या करो, शादी मत करो, ये मत करो, घर से अलग हो जाओ और एकदम सन्यासी। अभी ये कुछ जीवन है, ये लाइफ स्टाइल है, मतलब कि ये सिंपल इंसान एक सोचेगा वो कैसे रह सकता है, माँ बाप को छोड़ दो, इनका जो इस्कॉन चलता है, जो बहुत बनने लगते हैं कि हाँ हम भक्ति साइड जा रहे हैं, मतलब कि वो तो प्रैक्टिकली नहीं है यार वो लाइफ। इस्लाम में तो प्रैक्टिकल है, आपकी लाइफ है, आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आप सब कुछ कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड है, उसमें क्या स्ट्रक्चर्ड है कि आप बाल मुंडा लो, एक ऑरेंज कलर कपड़ा पहन लो, माँ बाप को छोड़ दो, शादी मत करो और अलग हो, ये मतलब कि सेंस नहीं, अरे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आश्रम रखे है ना, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, वो रखे हुए हैं, हो भी तो क्या रहा है, कितने सारे बाबास तो सब आधे ज्यादा रेप केस में भी अंदर ही हैं। Exactly. बड़े बड़े से भी नाम है सब तो अंदर ही हैं, और जितने ड्रगी हैं, जितने ड्रगी है, शीश पीने वाले, भांग पीने वाले, चर्स पीने वाले, सारे आश्रम में मिलेंगे आपको।
हाँ तो वही है ना, अब क्या होता है जो शराब लोग पीते हैं, क्या भोलेनाथ का प्रसाद है, वाह, मतलब कि एक जहर बता के तुम उसको भगवान जी का प्रसाद बता रहे हो, मतलब कि कोई सेंस नहीं बन रहा है हर चीज का। और गाने बजाओगे जीत्या भाई, अभी अभी अगर आप थोड़ी और डीप रिसर्च करेंगे तो इनके पास शिवम भू का भी कॉन्सेप्ट है। ये अरे शिवम भू क्या होता है, खुद का शिवम भू पिशाच गाना आ पीना। गया है, आपको पता नहीं है रिमिक्स भी सुन रहा उसका। यार मैंने ये सैम भाई की वीडियो देख ली, सैम भाई थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था ये शिवम भू जो है। अरे पूरे नवरात्रि आप जी समझ लीजिए, सुनिए सुनिए, पूरे नवरात्रि जो होता है ना वो गाने कैसे बजते हैं, सैम भाई तो इंडिया में रहते हैं ज्यादा समझ पाएंगे इस चीज को, जितने भी बॉलीवुड के गाने होते हैं सॉन्ग्स वगैरह उसको ही ये लोग रिमिक्स कर देते हैं, भजन बना देते हैं, बोले ये भजन है। अभी कुछ दिन पहले बज रहा था एक मुन्नी बदनाम हुई का था ना, वो माता बदनाम हुई भक्तों के लिए, पता नहीं क्या। अरे ये रियलिटी मतलब कि ये बजता है, आप मतलब कि बजता, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये सब चीजें, अजीब अजीब गाने, और इसको मंदिर में बजाते हैं और नाचते हैं, बोलते हैं मतलब कि ये बेस्ट है, आप ये रिलीजन के आपके पीक है, ये आप जस्टिफाई कर रहे हो, ये होना चाहिए, मतलब कि तौबा तौबा, वही वाली बात हो गई। तो जबरदस्त आप जबरदस्त लोग कैरी करिए, कोई आ ही नहीं सकता, मैं तो कह रहा हूँ कि, और सही बात है कोई नहीं आएगा, कोई बड़े स्कॉलर को लेके आओ तुम लोग हिंदुइज्म में, जो बड़ा स्कॉलर हो कोई, वो डिफेंड करे, क्योंकि कर नहीं सकता, दिक्कत तो यही है ना, प्रॉब्लम यही आ रही सारी, बिल्कुल जलेबियां बनेगी ऐसे ही गोल गोल यहाँ पे, बस मिलके खाएंगे दित्या भाई, मीठी मीठी। जी चले फिर, अब मुझे इजाजत दें आप लोग, जरूर आदित्य बहुत 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 शुक्रिया आदित्य भाई, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एक एक जी। शब्द जो है वो सोने की मानिंद है, हकीकत यह है कि मैं सही आपको पता बताऊं सबको है, हर हिंदू को पता है, लेकिन दिक्कत ये ना, ये फास्ट फॉरवर्ड जो एक जो समय गुजर रहा है ना, लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि कोई ये चीज देखना नहीं चाह रहा है, प्रॉब्लम ये है हिंदुइज्म में, प्रॉब्लम ये है कि आप 90% हिंदुओं को देखेंगे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, वो तो एग्जैक्टली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जी जब प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आपको चीजें पता ही नहीं चलेंगी। अब क्या हुआ कि साल में त्योहार दिवाली आ रही है, जैसे कि अब हम लोग हैं कॉलेज में, जो जॉब में, वो घर जाएंगे एक दिन पहले और वो पटाखे वटाखे जला के खत्म हो जाएंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कि वो बस चल रहा है एक तरीके से, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं किसी चीज को, जानना नहीं चाहते, क्यूरियोसिटी बहुत कम हो गई लोगों में जानने की, और जब क्यूरियोसिटी होगी तो पोल खुलना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, और ये डरते भी हैं बहुत। एक लड़का है मेरा दोस्त, उससे मैं बोलता भी हूँ कि यार तू पढ़ा, बोलता है भाई मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है और बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं और प्रॉब्लम आ जाएगी। ये एक बड़ी यूथ है, बड़ी मेजोरिटी है यूथ की, जो धर्म को सिर्फ इसलिए शास्त्रों के अनुसार नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनको पता है पढ़ना शुरू किया तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। जी अभी ऐसे ही एक नॉन मुस्लिम यही क्वेश्चन करता था मुझसे, ये शादी को लेके, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेके, मैंने कहा यार इंडिया में जब बाल विवाह जो चरम पे था तब तो तुमने इस बारे में, मतलब कि बाल विवाह इंडिया में जो हुआ ही, बाल विवाह स्टार्ट इंडिया में हुआ है, सती प्रथा यहाँ पे हुई है, यार तुम मतलब कि ये सब छोड़ के तुम वहां बात करने चले गए, मतलब कि सेंस है तुम्हारे पास, मतलब कि तुम बच्चे की अगर शादी की बात कर रहे हो तो बाल विवाह की बात करोगे जो इंडिया में एक मेजर स्केल पे हुआ है एक समय पे, तो तब नहीं बात करेंगे, वो तो बचपन में ही, वो तो मतलब कि पैदा होते ही दे देते थे, जाओ ले जाओ 3-4 साल 5 साल जो भी होती थी उम्र सब दे देते थे, और अब ये सब प्रूफ है, सती प्रथा बता अभी 100 साल पहले खत्म हुई है और लोग अब जाके डिफेंड करने लगे उसको, कहीं होती नहीं थी। अरे मैं कह रहा हूँ कि आजादी तक हुई है ये सब चीजें, अभी भी 80s में, 80s 90s के केस आए हैं, अभी 1980s के केस हो रही है, अब वही है ना, अब समय के साथ चीजें बदल रही हैं, तो ये अब कहते हैं कि रिफॉर्म हो गया, अब चलो किताबें भी रिफॉर्म कर दो, तो उससे सच नहीं बदल जाएगा ना भाई, तो चीजें चलती हुई आई उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। जबरदस्त जबरदस्त, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य भाई, ठीक है सर भाई, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम आदित्य भाई, सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे। आप स्टूडियो लिंक कर दीजिए जी। इनका एक एक शब्द जो है जी नाजरीन, वो हमारी सारी सारी 6-6 घंटे की स्ट्रीम्स के ऊपर भारी, आदित्य भाई जैसे लोगों की बात जो है, हकीकत यह है कि दिल से बात निकलती है और वो असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज मगर रखती है। आदित्य भाई आप आते रहें, स्ट्रीम का हिस्सा बने, आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, सच कहें सत्य कहें, हमेशा जीवित रहें, हमेशा जनाब खुश रहें सुखी रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आगे बढ़ते हैं, हमारे एक प्राउड हिंदू भाई है उनको लेते हैं, जबरदस्त यही तो चाहिए हमें।
अच्छा मैं एक और चीज कहता चलूं, सैम भाई चूंकि फोन से नाजरीन तो आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन के सामने हैं, आप बेफिक्र रहें, कमेंट्स आपके नजर आ रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का जो आदित्य भाई के लिए आप इजहार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की